से भाई से क्राम करे तो फ्रेंड आज घर से 5-6 किलोमीटर दूर यहाँ पे आए हैं जहाँ पे एक सांप यहाँ पे फंस चुका है और मेरे बड़े भाई ने मुझे कॉल किया है। तो अभी हम जस्ट यहीं पे पहुंचे और एक बेजुबान को देखते हैं। यहाँ पे चींटी भी लग चुका है, पता नहीं कोई ना कुछ हादसा इनसे हो ही गया है शायद। तो सांप बहुत ही गुस्से में आक्रामक है, तभी हम निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। अरे धरे कैसे सदा मदद दे नीचे जा। अरे पाइप में तो ढुकुई दिला मोर मुख ना पाइप ढुकुई लाम। अरे ये किसो खाई से बुझो किसो खाई से खवार पर और मदे यो ही किसो ओ पाइप में तो ढुकुई दो। अरे ना ए देखो सार आई छड़ी ओ देखो पानी ढुकुई ए जरा कुछ फसा ले मेरा। फ्रेंड बहुत ही गंभीर तरीके से ये फंस चुका है। अरे भांगा लग भी हो ना वो बेरोच चिनावरा कोई पाइपर में तो ढुकुए तो ये भांगा दे धुरी टानी लम अच्छा भांगा दे धुरी टानी से सीजन तो ये पूरा डैमेज हुई किसी ना ना हल्का सा टानी से टाइट पड़ी से वो हानिक्षण तो ही रहमो पीपड़े तो शेष कर दे ना बोले देखा बच्चे 3-4 घंटा तक फंसी रही इसने मिला शॉट तेरी चलो नियाशा देखिए। तो यहाँ पे बहुत ही गंभीर रूप से फंसा है और मेरे हिसाब से शायद ये किट निकालना पड़ेगा यहाँ पे। और मेरे हिसाब से जब ये घुसा था तब इसने कुछ खाया नहीं होगा, अंदर इसको मेढक या तो चूहा मिला हुआ होगा, तो उसको खाने के बाद वो अंदर फूल चुका है जिसके कारण वो निकलने में असमर्थ है। तो भाई लोगों ने भी बहुत समय कोशिश किया, 1-2 घंटा, लेकिन फिर भी इसको निकाल नहीं पाया। तो हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम इस बेजुबान को बचा पाते हैं या नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चींटी भी थोड़ा बहुत लग चुका है इसमें। हो जा ओए पाइप देखा ना ओ बैके भरी जैसे बैके तो भरी है बैके भरू है ना। ये सिर्फ मौसम देखते हैं ना हल्का सा स्पेस तो लगा ही हमारे तो लग जैसे वो जो किसी ना खाए ওই দেখ দেখ দেলার বার দেয়ার হই আমার কাছে তো লেট হই না আর এটা লাগবে।
बुढ़ो मारो इन्हें बुढ़ो ने बोला घर कुत्ते मुश्किल देने पाइप फुली फुली बहुत ही समय लगा है इसको निकालने में और इसने कुछ खाया था इसलिए इसका पेट भी फूल चुका है यहाँ पे। अरे तो जल ढल नहीं तो किसी तो नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने कुछ खाया होगा जो इसका ये पीछे वाले टेल साइड यहाँ पे फट चुका था। और दो ढाई घंटा हो चुका था और इसको थोड़ा सा यहाँ पे चोट भी लगाया तो यहाँ पे थोड़ा हम टर्मरिक पाउडर लगाने की कोशिश करेंगे ताकि जख्म जल्दी सूख जाए। पुंगाठ खिलाई गेस ना जी आप देख सकते हैं इसका ये बहुत ही जख्मी है और अभी थोड़ा सा हल्दी लगा देते हैं उसके बाद देखेंगे सुरक्षित इसको पर्यावरण पे रिलीज करेंगे। हालत तो बहुत ही खराब हो चुका है। दुखी से तो बड़ा हिरम से सही है की कर वो तो जाने बेची की मरी से तू तो थोड़ा बहुत टर्मरिक पाउडर हम लगा देते हैं इसको ये भी एंटीबायोटिक का काम करता है। ये टक्की भरी किसी ने होते लगा फटी के से पेट से ना भरी किसी की ओ कोशिश की जरूरत जरूरत है गाले की लग रही ना लग सके रेजवान को बचाना हमें भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे और ये फंस चुका था मेरे को जब भी फोन किया मैं 10 से 15 मिनट में मैं पहुंच गया यहाँ पे और इसको रेस्क्यू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे ज्यादा शुक्रिया भाई को करना चाहता हूँ जिसने मुझे कॉल किया और मैं इस बेजुबान को बचा पाया। तभी इसको लेके जंगल में हम रिलीज नहीं करेंगे, इसको एक दिन तक हम अपने पास रखेंगे, एक दिन तक ट्रीटमेंट चलेगा, उसके बाद जाके इसको पर्यावरण पे रिलीज करेंगे। तो फ्रेंड रिलीज का वीडियो भी आप जरूर देखें। कट्टा बट्टा नहीं है शो के साथ इधर कभी नहीं इधर कट्टा हम तो बैग 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 तो ये हल्दी एक एंटीबायोटिक का काम करता है क्योंकि इंसान को भी कभी चोट लगे या तो कुछ भी हो तो भी ये टर्मरिक पाउडर ही दिया जाता है। ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन फंसा भी कब होगा किसी को पता नहीं है, लेकिन जब से फंसा तब से तो भाई लोगों को याद है कि 2-2.5 घंटे 3 घंटे हो ही चुका है जो सांप फंसा था इसमें। ये सुनिए फटाफट कट्टा था हटा था तो गांव से 5 किलोमीटर दूर है की नाम था चंद्रपाड़ा। तो चंद्रपाड़ा गाँव है जगदीशपुर के जस्ट बगल में स्थित गाँव है और ये गाँव शायद यहाँ से 10 साल पहले बसा ना, यहाँ से 20 साल हो गया तो 20 साल पहले बसा यहाँ पे। जब हम छोटे छोटे थे तब तो हमने देखा नहीं तो हमें भी रिलीज करके बहुत ही सुकून मिलेगा इस बेजुबान को।
तो थोड़ा बहुत पानी से भी हमने वॉश कर दिया ताकि इसमें कोई भी इन्फेक्शन होगा वो थोड़ा सा धुल जाएगा। उसके बाद टर्मेरिक पाउडर लगा दिया। वो छेद थकली हुआ बहुत वो काम फते और जाओ तो ऐसे। तो फ्रेंड बहुत ही आसानी से कर लिया इसको पैक और लेके इसको छोड़ेंगे पर्यावरण पे। बेटा दौड़ी दो दौड़ी दो बेटा दौड़ी देना। तो फ्रेंड अभी जो बेजुबान आप देख रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक तरीके से फंसा हुआ था और जिसको निकालने में लमसम हमें आधा घंटा लग चुका है और फिर भी हमने बहुत ही मशक्कत की है लेकिन हाथ बेजुबान को हमने बचा दिया और आए हैं पायरेब्रांड पर रिलीज करने के लिए। तो हम सोच रहे थे कि घर में एक दो दिन रखेंगे लेकिन ये इम्पॉसिबल है नहीं, तो अभी हम पायरेब्रांड पर छोटा सा जगह में छोड़ देंगे ताकि ये अपना यहाँ पे आशियाना बना ले और ये अपना भोजन थोड़ा बहुत कर ले। लेकिन सांप इनकी बैंडी टेम्परेचर जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तब ये घर में घुस जाते हैं भूख के तलाश में और उसके बाद ही लोगों के घर से आना जाना होता है, तभी लोगों के नज़र में पड़ जाता है और बेजुबान की इस प्रकार से मौत हो जाता है। तो अभी हम करेंगे यहाँ पर रिलीज। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जख्मी था, तो इसको ये बहुत ही कम हिल रहा है तो इसीलिए हमने इसको नेचर पे छोड़ दिया। ये थोड़ा बेहोश टाइप के हो गए हैं तो इसको हम यहाँ पे रिलीज कर दिया, तो हो सके तो जान इसका बच जाए ये भी हम भगवान से दुआ करते हैं कि इसका जान बच जाए और ये हिलने का लायक है नहीं। फिर हम बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि इस बेजुबान को यहाँ पे छोड़ दे और ये अपना आशियाना बना ले। तो फ्रेंड हमारा रेस्क्यू वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और बगल में बेल नोटिफिकेशन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन बटन दबाने का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई वीडियो इसमें अपलोड करते हैं तो सबसे पहले अपडेट आपके फोन में आ जाएगा, इसलिए बेल नोटिफिकेशन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।